पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सियासत और लापरवाही कैसे जीते जंग। जी हाँ, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर घातक साबित हो रही है। बीते 24 घंटे के अंदर 7,127 नए मरीज मिले, जबकि 122 मरीजों की मौत हो गई। जहां कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए, वहीं प्रशासन के लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर चमोली से सामने आई। चमोली के जिला अस्पताल गोपेश्वर में कोविड ड्यूटी में तैनात 3 स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित हो गया है। वहीं जिला अस्पताल में कोविड 19 ड्यूटी में लगे स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय और लैब टेक्नीशियन के साथ दूसरे कर्मचारी जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों की सुस्ती से खासे नाराज हैं। वहीं कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोपेश्वर को पत्र के जरिए अपनी समस्या बताई है। कर्मचारियों की मांग है कि उनके रहने की अलग व्यवस्था की जाए, जिससे उनकी दिन रात की मेहनत का खामियाजा उनके बच्चों और परिवार को ना भुगतना पड़े। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग सभी कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए उच्च अधिकारी कितने गंभीर हैं। जहां एक ओर उत्तराखंड में कोरोना से लोग जान गंवा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस महामारी में सियासत भी खूब हो रही है। नैनीताल में पूर्व विधायक सरिता आर्या ने बीजेपी पर निशाना साधा और पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम तीरथ सिंह रावत को एसडीएम के जरिए ज्ञापन सौंपा। सरिता आर्या ने मांग की है कि भवाली के टीवी अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में इस्तेमाल किया जाए, जिससे ग्रामीण लोगों को सुविधाएं मिल सके। सरिता आर्या ने यह भी कहा कि हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इतनी जगह नहीं है कि पूरे कुमाऊं का भार उठा सकें। अब सवाल यहां ये कि आखिर कब तक प्रशासन की इस तरह से लापरवाही सामने आएगी। प्रशासन की तरफ से अस्पताल में कर्मचारियों के लिए रहने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही, और आखिर इस महामारी को लेकर कब तक सियासत होती रहेगी। सवाल कई हैं, लेकिन उनके जवाब कौन देगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कभी प्रशासन की लापरवाही सामने आती है, कभी मरीजों को इलाज देरी से मिलती है, कभी अव्यवस्थाएं अस्पतालों में देखी जाती है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पते में यहाँ काम कर रही हूँ, तो मेरे इस टाइम में मैं 30-40 लोगों को मैनेज कर रही हूँ, ड्यूटी लगा रही हूँ, जिसमें कि मेरे पास में 25-30 के कम से कम स्टाफ नर्सेज हैं और 8-10 मेरे पास वार्ड बॉय हैं, 4th क्लास हैं, जिनको मैं ड्यूटी मैनेज कर रही हूँ। लेकिन सबकी प्रॉब्लम यही आ रही है बार बार, और वो मैं भी देख रही हूँ कि यहाँ दिन रात काम करने के बाद वो कोई पटियालधार से आ रहे हैं, कोई जोशी यहाँ से आ रहे हैं, मंडल से आ रहे हैं, कोई बिकलकोटी से आ रहे हैं, जिनके लिए रात में आना जाना और शाम को भी आना जाना इस मौसम को देखते हुए बहुत भारी पड़ रहा है। उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, माएँ हैं, पति हैं, जिसको वो यहाँ ड्यूटी करके फ्रीली जाके घर में अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रही है कि मैं इस तरह से मैं मरीजों की सेवा करूं या घर में मेरे कोई इफेक्टेड हो जाता है तो उनके लिए मैं क्या सोचूं, क्योंकि मेरे लिए कोई उनके लिए कोई भी चीज़ नहीं है संभव, मतलब करना काम करने के बाद में अपने घर को मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इस स्थिति में मैं चाहती हूँ कि जो मेरे यहाँ पे फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं तो उनके यहाँ रहने की खाने की व्यवस्था हो, ताकि वो फ्री मन से अपने काम को यहाँ पे कर सके। सर, मैं तो साल भर से पूरा पॉजिटिव टेस्ट कर रहा हूँ, एक साल से फर्स्ट से और अभी तक लगे हुए हैं, और मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, बीवी है, मेरी 50 साल की माता जी मेरे साथ, कमरा सिंगल है हमारे पास, रहने की असुविधा हमको, अब रात में जाएँ कहाँ जाएँ, अब जाना तो आप कमरे में है, और माता जी है मेरे साथ सबसे बुजुर्ग वो हैं, और केस कर रहे तो हमको तो परेशानी होगी होगी, अब जाना तो घर ही में है, अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और समस्या वही है माता जी की कि कहीं पर कोई बात ना हो जाए, परिवार कोई पॉजिटिव ना हो जाए ना। अब समस्या तो सरकार को सोचना चाहिए हमारे बारे में, कि कर्मचारी काम कर रहा है रात दिन, तो इसके लिए भी सोचना चाहिए, रहने के खाने की व्यवस्था करे वो, वही आदमी तभी काम करेगा। नैनीताल के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया कि नैनीताल में भी जो हमारा सेंट्रल प्लेस है, जैसे बीडी पांडे है, यहाँ ओपीडी होती है, तो रैमजे हॉस्पिटल है हमारा, रैमजे हॉस्पिटल में भी हमारे कोविड के मरीज आ सकते हैं, वहाँ भी वेंटिलेटर ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे जाएँ। और कोविड के मरीजों को जैसे हमारे नीचे हल्द्वानी में प्राइवेट में भी नहीं मिल पा रहा है, सुशीला तिवारी में भी बहुत भीड़ है, इस समय कोविड के मरीज़ बहुत बढ़ गए हैं, तो यहाँ अगर सुविधाएं होंगी तो हमारे मरीजों को थोड़ा सुविधाएं होंगी। देखिए, मैं यहाँ की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पते में यहाँ काम कर रही हूँ, तो मेरे इस टाइम में मैं 30-40 लोगों को मैनेज कर रही हूँ, ड्यूटी लगा रही हूँ, जिसमें कि मेरे पास में 25-30 के कम से कम स्टाफ नर्सेज हैं
और 8-10 मेरे पास वार्ड बॉय हैं, फोर्थ क्लास हैं, जिनको मैं ड्यूटी मैनेज कर रही हूँ, लेकिन सबकी प्रॉब्लम यही आ रही है बार बार। खास मेहमान जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ गए हैं और बीजेपी नेता दीप्ति रावत जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले दीप्ति जी, मेरा सवाल आपसे कि आखिर हालात सुधरने में कितना वक्त लगेगा? एक बड़ी चुनौती का सामना शासन प्रशासन कर रहा है, लेकिन इन सबके बीच सवाल इस बात का कि आखिर जो डॉक्टर्स, नर्सेस, कर्मचारी लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो कैसे मरीजों का इलाज हो पाएगा? क्योंकि मुझे आवाज नहीं मिल रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी जी। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है जो मैं समझ पाई हूँ, वो ये कि सब लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये ऐसा इमरजेंसी का समय है, एक मेडिकल इमरजेंसी है इस वक्त, और सबको साथ मिलकर ही काम करना चाहिए। इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है हमें, जो सरकार में अगर जो काम कर रहे जो कर्मचारी है, उनकी उनकी तो खास जरूरत है ही, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी के वर्कर्स हो, चाहे वो शिक्षक हो जिनको और हमने नोडल ऑफिसर बना के हम उनसे काम ले रहे हैं, या हमारे और भी बहुत सारे, चाहे वो विजिट के कर्मचारी हैं और कर्मचारी हैं, सभी लोग, मैं कहूँगी कि पुलिस है और हॉस्पिटल के जो हमारे पैरामेडिक्स हैं वो तो है ही, डॉक्टर्स हैं, ये सब लोग मिलकर जो कोरोना योद्धा की तरह काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी पूरी फैसिलिटीज है। सरकार सब कुछ जो सबके लिए है वो उनके लिए भी है, और जितनी हो सकती है मुझे लगता है कि इस समय पे उतनी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है अपनी तरफ से, पूरी तरफ से। लेकिन 3 महिला स्टाफ जो नर्सेज हैं और वार्ड बॉय का पूरा परिवार संक्रमित हो गया, उनका कहना है कि बार बार उन्होंने मांग की है कि वो दिन रात काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था वहीं पर की जाए जिससे वो अपने परिवार तक संक्रमण को ना फैला पाए। लेकिन देखिए, 3 परिवार संक्रमित हो गया है, अब कैसे उनका इलाज, फिर इसके बाद डॉक्टर्स नर्सेज के सामने दिन ब दिन चेतावनी और लगातार चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। नहीं देखिए, ये ऐसा बाई चांस हुआ होगा, लेकिन अभी जो ओपनिंग के थ्रू भी जो काम कर रहे थे, जो अपनी स्वास्थ्य लैब में भी जो अपनी सेवाएं दे रहे थे, जो पैथोलॉजी में भी। इस बीच लगातार मथुरा दत्त जोशी जी भी जुड़े हुए हैं। मथुरा दत्त जी, क्या लग रहा है जिस रफ्तार के साथ सरकार काम कर रही है, उस रफ्तार से इस संक्रमण की चेन को तोड़ पाना आसान हो पाएगा? देखिए, जो रिजल्ट दिख रहे हैं, जो रोज का आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है, उससे लगता नहीं कि सरकार चैन टूट पाएगी। कल की खबर है, आज की अभी खबर आनी बाकी है। कल ही 7,500 के लगभग केसेज आए हैं, परसों 7,800 के लगभग केसेज, 7,800 के लगभग केसेज, और आज भी लगभग मुझे लगता है जो सूचनाएं आ रही हैं वो 7,000 7,500 से आगे के केसेज उनके रहने खाने की व्यवस्था सुशीला तिवारी अस्पताल प्रशासन करे और अस्पताल में ही करे, वो रहे अस्पताल में ही, खाना पीना भी उनका अस्पताल में हो, ये व्यवस्था करने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर अमल नहीं किया। ये जो उनकी मांग है बिल्कुल जायज मांग है, ये सब जगह करना चाहिए, चाहे देहरादून का दून मेडिकल स्टाफ हो, दून मेडिकल कॉलेज हो, चाहे श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे अल्मोड़े का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे बेस हॉस्पिटल है, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जहाँ जहाँ जो कर्मचारी, जो डॉक्टर, जो नर्सिंग स्टाफ, जो टेक्निकल स्टाफ या हमारे अन्य संवर्ग के लोग जो डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का काम कर रहे हैं नगर पालिका के पर्यावरण मित्र, निश्चित रूप से उनके रहने खाने की जिम्मेदारी अलग से सरकार को करनी चाहिए, और नहीं तो निश्चित रूप से उसका भयानक परिणाम सामने आ रहे हैं, वो दिख रहे हैं, उससे कई और लोग संक्रमित होने का खतरा दिख रहा है। अगर वो लोग अस्पताल में ही रहेंगे और अस्पताल से बाहर नहीं जाएंगे तो उस पर रोकथाम हो सकती है, उस चैन को आप रोक सकते हो। अन्य जगह भी आज कोरोना ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा फैल रहा है। देखिए, शहरी आप सब तो शहरी क्षेत्र में था, उसकी कोई इतनी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, शहरों में सारी व्यवस्थाएं थी, ग्रामीण क्षेत्र में तो आपकी
तरीके से सैंपलिंग हो पा रही है, न वहाँ पर कोई नर्स कोई स्टाफ ज्यादा पहुंच मेडिकल स्टाफ पहुंच नहीं पा रहा है, उसकी भी दिक्कत आ रही। सरकार के सामने भी ये भी चुनौती है, सरकार ने इस दिशा में भी काम करना होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी इस तरह के कोरोना संक्रमण को रोकना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। और चयन तोड़ना तो बड़ा ही दुष्कर काम है, बहुत भयंकर काम है, और इस समय अगर सरकार ने इस स्तर पर काम नहीं किया तो निश्चित रूप से भविष्य में इसके परिणाम और गंभीर होंगे। कम से कम अदालत के निर्णय में बार बार अदालत हस्तक्षेप कर रही है, अदालत निर्देश जारी कर रही है, उसके बाद भी सरकार उसमें अमल नहीं कर रही है। और जो बात आपने अभी कही है ये बिल्कुल आपकी बात जायज है, मैं आपकी बात का समर्थन भी करता हूँ कि जितने भी हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं, शिक्षक लोग लगे काम पर लगे हुए हैं, पर्यावरण मित्र हमारे काम पर लगे हुए हैं, डॉक्टर्स हमारे काम पर लगे हुए हैं, हमारे नर्सिंग स्टाफ के लोग हैं, हमारे टेक्निकल स्टाफ के लोग हैं, हमारे पैथोलॉजिकल जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है, सारे लोगों की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, मानवीय आधार पर भी करनी चाहिए। सरकार को अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी निश्चित रूप से सरकार को उनकी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। बिल्कुल दीप्ति जी, इस बीच देखिए वैक्सीनेशन जो कि एक रामबाण इलाज माना जा रहा है, इस चेन को अगर तोड़ना है तो तेजी के साथ वैक्सीन लगनी चाहिए। इस बीच विदेशों से भी वैक्सीन मंगाए जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन सवाल इस बात का है, देखिए जब मंत्री गणेश जोशी ने बैठक की, जब वो जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं तो अधिकारियों के पास जानकारी ही नहीं है। सीएमओ पहुंचते हैं देहरादून, वो भी सही तरीके से जानकारी नहीं दे पाते हैं, तो इस लापरवाही के लिए आखिर किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा और कब कार्रवाई होगी दीप्ति जी? देखिए ये तो क्योंकि वो इस पूरे चीज के इंचार्ज भी हैं, तो अगर जो इसमें किसी ने भी अगर कोई कोताही बरती होगी किसी भी अधिकारी की तरफ से तो उसके ऊपर तो एक्शन होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि मंत्री स्वयं वो इसको कोविड को पूरा देख रहे हैं और उत्तराखंड स्पेशली जो हमारा देहरादून है उस जिले को वो देख रहे हैं, तो वो देखेंगे। और मुझे लगता है कहीं भी अगर उन्हें कोई खामी पाई जाएगी किसी की भी तरफ से तो उसके ऊपर एक्शन जी से भी किसी भी कोई भी एक लूपहोल छोड़ने के किसी भी पक्ष में नहीं है। कहीं से भी अगर कोई मिलता है, किसी कोई कालाबाजारी करते हुए मिलता है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर को एक होर्डिंग करता हुआ मिलता है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी ये कहा गया है। और मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया है जो लोग नकली दवाइयां अगर किसी ने बेचने की बात कही और अगर इस तरह की कुछ चीज हुई तो उसके ऊपर भी एक बहुत कड़ा एक्शन होगा और उसको आजीवन कारावास की एक व्यवस्था मतलब एक सजा हो सकती है। तो इस तरीके से सरकार इस पर काफी सीरियस है कि जो काम होना है वो तेजी से होना है और जल्दी होना है। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारे लोग जो है जो पहले इससे भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे कि क्या इसको लगवाया जाए या नहीं लगवाया जाए और खुद उस वैक्सीन को लगवा के आ गए, लेकिन दूसरों को कहने के लिए जरूर कह रहे थे, मैं दूसरी पार्टी इसके बारे में बात कर रही हूँ आपसे ऑपोजिशन की, और आज हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं यही एक रामबाण है और यही एक चीज हो सकती है कि अगर हम जल्दी से जल्दी वैक्सीन करें और वैक्सीनेशन लें। और यही हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, यही हमारे मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं और सभी लोग मैं कहूंगी कि हमारे ये कह रहे हैं कि हम वैक्सीन को जल्दी से जल्दी लें तो उसी से हम इसको इससे ऊपर उठ सकते हैं। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नई जो दवाइयां हैं और जो हमारे वैक्सीन है कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है उसके लिए भी कुछ समय पहले ही उन्होंने पैसा भी रिलीज किया, वो भी आ चुकी है। और अब हमारे जो 18 साल से ऊपर की जो लोग हैं उनको भी वो वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि जितनी तेजी से और तेजी इसमें लाने की जरूरत है और जरूर लेके आएगी सरकार और जल्द से जल्द हम अपना वैक्सीन जरूर करवाएं। आपकी तरफ से भी ये बात सब लोगों तक जाए, मुझे लगता है कि सबको ये मैसेज मिलना चाहिए। लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी, जिस तरीके से 11 मई से
लॉकडाउन जो मियाद बढ़ाई गई है सख्ती, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की जा रही है उत्तराखंड में, लेकिन फिलहाल जो कर्फ्यू लगाया गया है कोविड कर्फ्यू उसमें सख्ती भी बरती गई, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो उद्देश्य था मेन कि संक्रमण कम होगी, संक्रमण की दर, मौत के आंकड़े घटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे क्या वजह समझी जाए कि जो आवश्यक वस्तुओं के दुकानों का समय कम कर दिया गया है वो है या कुछ और? नहीं देखिए, मैं हमने पहले भी कहा था कि आप लॉकडाउन करिए, हम आपके साथ हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सरकार तो हर चीज को, इनका काम है उल्टा बोलना काम है, सीधा नहीं बोलते हैं। सही तरीके से अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरे पे आरोप लगाते हैं। जैसे अभी मेरी बहन कह रही थी कि लोग ये कह रहे थे कि वैक्सीन खराब है, वैक्सीन को मत लगाओ, दुष्प्रचार। किसी ने दुष्प्रचार नहीं किया, कभी नहीं किया किसी ने भी। क्यों कोई दुष्प्रचार करेगा? सरकार की अगर कार्यप्रणाली पर अगर उंगली उठती है, सरकार के खिलाफ अगर हम बोलते हैं, तो इसका मतलब हमको ये देशद्रोही कह देते हैं, ये कहते हैं कि ये तो बिल्कुल सरकार के विरोध में खड़े हैं, सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपने भी जैसे लॉकडाउन की बात की, हमने पहले इसको कहा था। जोशी जी आपके पास लौटेंगे, आपसे शुरुआत करेंगे, फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटी से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। लापरवाही और सियासत लगातार जारी है, इस बीच लगातार निशाना भी साधा जा रहा है। जोशी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं दीप्ति जी के पास जाऊंगे। देखिए आपने लॉकडाउन की बात की, हमने हर हमेशा समर्थन किया, हम आज भी समर्थन करते हैं। निश्चित रूप से अगर कोरोना संक्रमण को रोकना है तो सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी, उसमें सरकार की उसमें कोई उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को सख्ती करनी भी चाहिए और जनमानस को भी जो SOP है उसका पालन करना चाहिए, जो कोविड के हमारे नियम है उसका पालन करना चाहिए, तब हम इसको रोक पाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि आप लॉकडाउन ही क्यों एक तरफा सोचते हैं? आप अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त करेंगे, वेंटिलेटर अस्पतालों में आप दे देंगे, ऑक्सीजन प्लांट आप लगा देंगे, आप मेडिकल स्टाफ पूरा कर देंगे, आप इंजेक्शन की मात्रा पूरी कर देंगे। अभी जैसे वैक्सीन लगाने की बात है, देखिए वैक्सीन में ही बहुत सी जगह रोक दिया गया है वैक्सीन लगाने का काम, क्योंकि आपके पास वैक्सीन ही नहीं है, आप तो वो व्यवस्था ही उपलब्ध नहीं है। आप आरोप भले ही दूसरे को लगाओ, आपको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हमारे पे नहीं है, आप 10 दिन रुक जाइए, हम कर लेंगे। इन्होंने कहा कि 18 साल से लेके हम 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाएंगे, इन्हें सबको आमंत्रित कर दिया। जो स्लॉट अगर आप बुक कराते, आप कहते कि भाई एक दिन में हम 1000 लोगों को लगाएंगे और एक नंबर से 1000 नंबर वाले ये लोग यहाँ पर उपस्थित हों। आजकल तो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सबको सूचना मिल जाती है, लेकिन हर जगह भीड़ होगी। आपने देखा ऋषिकेश, मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूँ, मेरे व्यक्तिगत मित्र भी है, मेरा बहुत पुराना उनसे संबंध है, हर हमेशा वो अपनी विधानसभा में एक्टिव रहते हैं। वो जब वैक्सीनेशन सेंटर पर आए तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा, लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी, मुख्यमंत्री को हल्द्वानी में नाराजगी झेलनी पड़ी, अल्मोड़ा में नाराजगी झेलनी पड़ी, पिथौरागढ़ में यहाँ के मंत्रियों को नाराजगी झेलनी पड़ी। तो व्यवस्था करने में तो सरकार खुद भागीदारी है भाई, आपको आवश्यकता ही नहीं, आपको फीता काटने की आवश्यकता क्या है? वैक्सीनेशन हो रहा तो होने दीजिए, आपको फोटो खिंचवाने की आवश्यकता क्या है? प्रचार करने की आवश्यकता क्या है? आप करें, हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं, हम मानते हैं इनके यहाँ सारी व्यवस्थाएं, सवाल इनके मंत्री खड़ा कर रहे हैं। कल गणेश जोशी ने कितना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि भाई अगर हम पिछली सरकार हमारा काम करती तो हमें ये नहीं भुगतना पड़ता। मुझे लगता है मंत्री ये सोच रहे हैं कि हम आज भी विपक्ष में है, वो सोच रहे हैं मंत्री उन्हें विधायक सवाल खड़ा कर रहे हैं। कल उन्होंने देखा कि 30 बेड इन्होंने कहा हमने ICU बना दिए रायपुर में, और इनके विधायक जी ने अपनी विधायक निधि से पैसा भी दे दिया। हालांकि वो विधायक जी का निजी रुपया नहीं है, सरकार का रुपया, सरकार उनको देगा, उनके डिस्पोजल में उस पैसे को छोड़ती है कि भाई आप अपने विधानसभा क्षेत्र में जो काम कराना चाहते हैं आप करा दिए, उनको आप देखते हो वो 30 बेड कहाँ गए, ICU दिख ही नहीं रहे, कहीं ICU काम नहीं कर रहा पूरे प्रदेश के। अगर आप पर समय है तो मैं आंकड़ा भी उसका दे सकता हूँ कि कहीं वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे आपके, आपके ICU काम नहीं कर रहे, आपके ऑक्सीजन प्लांट ही नहीं बने हैं अभी तक। बताइए, आज कह रहे हैं कि हम 3 मेडिकल कॉलेज में प्लांट लगाएंगे, एक मेडिकल कॉलेज आपका है जहाँ ऑक्सीजन का प्लांट है, देहरादून जैसे आपका जो हमारा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, देहरादून जैसे शहर में जो राजधानी है वहाँ आप 1 साल में ऑक्सीजन का प्लांट तैयार नहीं कर पाए, आप हल्द्वानी में तैयार नहीं कर पाए, क्यों? आप हृदयनगर में एक मेडिकल कॉलेज है उसमें आपका ऑक्सीजन प्लांट तैयार है,
आपने हरिद्वार में कुंभ के लिए कोविड हॉस्पिटल तैयार किए, आप वहाँ पर देखो अभी तक टेस्टिंग लैब नहीं है, वहाँ पर आरटीपीसीआर के टेस्ट हरिद्वार में नहीं हो रहा है, चमोली में नहीं हो रहा है, उत्तरकाशी में नहीं हो रहा है, पिथौरागढ़ में आरटीपीसीआर का टेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि एक साल का वक्त आपको मिला था, सवाल तो खड़े करने का मौका आपने दिया ना, आप भले आरोप लगाए ठीक है आपका काम है, क्योंकि बोलने के लिए चैनल में कुछ नहीं है, आप बोल नहीं सकते, जवाब आप पे है नहीं, आपने आरोप लगा के उसकी तीसरी कर देनी है, यही तो जी चलिए ठीक है जोशी जी आपके पास लौटेंगे। लेकिन दीप्ति जी वाकई में डेढ़ साल से लगातार महामारी हम सबके बीच में है, बीच में जब संक्रमण की रफ्तार कम हुई तो उस समय जब तैयारियां करनी चाहिए थी तब तैयारियां उस तरह से नहीं की गई, जैसे जैसे मामले में कमी आई और उसी तरह से ढील रवैया भी अपनाया गया। लेकिन सवाल ये है कि हर वर्ग इस समय प्रभावित है, व्यापारी वर्ग हो, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े तमाम व्यापारी वर्ग हो, कोई भी वर्ग जो इससे अछूता रहा हो, अब ऐसे में वो लगातार राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन क्षेत्र है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जब पहुंचेंगे तभी वहां के जो व्यापार होगा वो अच्छे तरीके से चलेगा, लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से बंद है तो ऐसे में उनके लिए राहत की बार बार वो मांग कर रहे हैं, किस तरह से सरकार उनके बारे में सोच रही है? देखिए पहले तो मैं मथुरादत्त जोशी जी ने बहुत सारे सवाल खड़े किए, उसका जरूर जवाब देना चाहूंगी, और आपने भी कहा कि किस तरीके से जो समय हमारे पास जिसका वक्त कम कोविड केसेस थे उस वक्त सरकार ने क्या किया, तो देखिए जब 2017 में हमारी सरकार बनी और उससे पहले यहाँ पे जो डॉक्टर्स की संख्या थी कांग्रेस के जमाने में वो केवल 1000 डॉक्टर भी मुश्किल से थे, आज वो उससे दुगने से भी ज्यादा हो चुके हैं हमारे पास, अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में डॉक्टर्स देखें तो 108 की व्यवस्था जो भाजपा सरकार ने, जो पिछली भाजपा सरकार ने करी थी वो कांग्रेस ने ठप कर दी थी अपने जमाने में, 2012 में जब ये चुनकर आए तो वो ठप पड़ गई थी। तो देखिए ये कहने के लिए जब आप ऑपोजिशन में हैं केवल तब आप एक चिंता व्यक्त करें जनता के बारे में, लगे आप आपको स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आपको चिंता हो जाती है या जनता के बारे में चिंता हो जाती है, मुझे लगता है जब हम सत्ता में बैठते हैं और जब हम कुर्सी पर रहते हैं कब भी हमें कुछ सोचना चाहिए जनता के बारे में और लोगों के बारे में। जोशी जी आ रही हूँ मैं। दूसरा आप मेरी देखिए उन्होंने पूरी बात बोली, बिल्कुल बिल्कुल आप अपनी पूरी बात कीजिए लेकिन थोड़ा जल्दी जी, बाद में बोल देंगे जोशी जी। तो मैं ये कहूंगी कि ये सारी चीजें कांग्रेस ने अपने जमाने में कुछ नहीं किया होगा वो बात अलग है, लेकिन कोविड इस समय पर है और हम यहाँ खड़े हैं, हम खड़े हैं, मैं कहूंगी कि विपक्ष को ये वक्त जो है ये राजनीति का करने का समय नहीं है, अभी चुनाव में भी समय है, जब चुनाव होगा उससे 2 महीने पहले आप ये सब कर लीजिएगा, लेकिन अभी कम से कम जनता के लिए साथ खड़े रहिए। मेरे को ये बताइए दीप्ति जी, मुझे लग रहा है चुनाव की चिंता ज्यादा है लेकिन लोगों की चिंता कम है, क्योंकि अगर गंभीरता दिखाई गई होती तो आज ये हालात नहीं होते। जोशी जी 10 सेकेंड आपके पास, जल्दी से अपना कमेंट पूरा कीजिए आखिरी। मेरी बेटी के समान है, मेरी भविष्य के लिए इनकी शुभकामनाएं, ये उत्तराखंड के भविष्य हैं, इनको मैं इतना कहूंगा कि थोड़ा सा पढ़ी लिखी लड़की है, थोड़ा सा उस बात को बोलिएगा जिस बात में सत्यता हो। मैं एक बात आपको बता दूं, कोरोना आपके कार्यकाल में आया है, कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं आया है, एक बात सत्ता में आप है, सवाल आपसे पूछे दो बात, तीसरी बात सुन लीजिए चलिए ठीक है, माफी चाहूंगी आप दोनों मेहमानों से, समय इतनी ही इजाजत देता है। जोशी जी एक मिनट में पूरी कर दूं। दूसरी बात यह है कि मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि आपकी सरकार यहाँ 2 बार रही है, अभी दूसरी बार चल रही है, एक भी मेडिकल कॉलेज आपकी सरकार में नहीं खुला, इसको जरा जानकारी को दुरुस्त कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा कागज। चलिए ठीक है, माफी चाहूंगी, शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए टीवी 100 के साथ, नमस्कार।